वेलकम टू फ्यूचर है दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए गया हूँ 3D मीटर स्केल है, ये वुलक्राफ्ट कंपनी का है, ये जर्मन का बना हुआ प्रोडक्ट है, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर इतने फंक्शन है, जैसे ड्रिल बिट का साइज वगैरह, गेज वगैरह देख सकते हो, मार्किंग गेज कर सकते हो, आपको डिग्री वगैरह कर सकते हो, राइट एंगल और 90 डिग्री का भी निशान लगा, यानी कि इसके अंदर इतने फंक्शन है, बहुत ज़्यादा फंक्शन है, मेरे कारपेंटर भाइयों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यानी कि इसमें यानी कि आदमी कभी कोई भी जुगाड़ वगैरह लगाता है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और मैं आपको इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले कि हम निशान लगाएंगे, सबसे पहले तो हम अपना कलम का निशान लगाएंगे जिसको हम 45 डिग्री का बोलते हैं। ये हमने 45 डिग्री का निशान लगाने का, तो ये हमारा साथ में इधर की तरफ राइट एंगल का भी लग जाता है और ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम अपना 90 डिग्री का निशान लगाएंगे। 90 डिग्री का कैसे, ऐसे ये हमने इधर लगाया और ये दोनों तरफ हमारे इससे कवर हो जाते हैं। और ये जो से दूसरे निशान दे रखे हैं ये हमारे डिग्री के, ना तो mm के ना सेंटीमीटर के, ये हमारी डिग्री दे रखी है। 0 से लेके 90 डिग्री तक आप इसमें खींच सकते हो, अपनी प्रकार बना सकते हो, ठीक है। और जो सा ये है, पहले हम क्या करेंगे, ये अपना जो सा हम करेंगे 45 डिग्री का निशान लगाएंगे। 45 डिग्री का कैसे नहीं, ये जो से होल दे रखे हैं ये 4 mm के हैं, पेंसिल जो सी मिलानी है अपनी तरफ, जिधर की तरफ मैं खड़ा हूँ उधर की तरफ मिला के आपने पेंसिल लगा लेंगे। और ये जैसे हमारी आपने देखा होगा डी होती है, डी के हिसाब से हम इसको पहले डी वाला निशान लगा लेंगे गोल, ठीक है। और ये इधर की तरफ से हम इसमें लगाएंगे, ये अपना ये हमने 45 का लगा लिया, ये 45 का, ये हमारा 30 का लग गया। और जो सा ये वाला है हमारा, ये लग गया हमारा 60 का। अब क्या करेंगे, इन निशानों को हम इनसे मिला देंगे, ये हमारे निशान लग गए, ये हमारे निशान, ये देखो ये लग गया और ये वाला निशान लग गया। दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है, उसके अंदर जब आप इस्तेमाल करोगे काफ़ी यानी कि टाइम की भी बचत होती है निशान लगाने के लिए, यानी कि एक ही टूल से हमारे काफ़ी काम हो जाते हैं, निकल जाते हैं इससे, ठीक है। और इसके अंदर क्या दे रखा है, हमारे ये बिट्टों के इन्होंने गेज दे रखे हैं, जैसे कितने mm का हमें बिट चाहिए, कितने, जैसे ये उदाहरण के तौर पर दिखाता हूँ, जैसे हम ड्रिल चेक में हम बिट वगैरह लगाते हैं तो हमारे ये नीचे से ख़राब हो जाते हैं, इसमें हमें पता नहीं लगता नंबरिंग का, ठीक है ना। तो हमारे ये इन्होंने गेज दे रखे हैं, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमारा जो सा दे रखा है, ये देखिए ये हमारा हो गया 8 mm का और ये हो गया हमारा 10 mm का। और दोस्तों बिल्कुल सही आ रहे हैं इसके अंदर, ये नहीं कि लूज आ रहे हैं। और ये हमारा हो गया अपना 5 mm का और ये हो गया हमारा, ये अपना 6 mm का और ये हो गया हमारा 4 mm का। ये हमने बड़ी इन्होंने सहूलत कर रखी है, ये सारे ये बिट्टों के इन्होंने गेज बना रखे हैं mm के अंदर। और ये हमारा इन्होंने, ये हमारे हो गए, तो ये इन्होंने हमें एक स्केल दे रखा है यहाँ से, ये देखिए ये स्केल भी दे रखा है 0 से लेके 40 mm तक, ठीक है दोस्तों। अगर देखो जैसे हम होल वगैरह करते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे हमने होल करना होता है, जैसे हमें वुडन स्टिक वगैरह लगानी होती है तो उनके निशान लगाने के लिए भी, जैसे होल करना है, ये मेरे पास वुडन स्टिक है, जैसे हम कोई भी अपना पैनल वगैरह लगाते हैं जॉइंट वगैरह के लिए, ये देखिए ये वुडन स्टिक के भी इनको मार्किंग आ जाती है इसके अंदर, ये आप खुद भी बना सकते हो और मार्केट से बनी बनाई भी आपको मिल जाएगी। ये इधर का हो गया, अब इधर की तरफ हम चलते हैं, ये मैंने, और जो सा इधर की तरफ जैसे हमने कोई निशान वगैरह लगाना है, जैसे हमने कोई निशान लगाना है इसके अंदर, आप निशान भी बड़े आसानी से लगा सकते हो, ये देखिए सीधा ये निशान भी लग सकता है इसके अंदर। और जैसे देख रहे हो ये हमारे ऊपर ये सारे mm के निशान दे रखे हैं इन्होंने, इधर के ऊपर भी mm के निशान दे रखे हैं। और हाँ दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या करना है, वीडियो लाइक करनी है और शेयर करनी है, क्योंकि मैं तो आप लोगों को देख नहीं पाता हूँ क्योंकि आप तो कैमरे के जरिए मुझे देख लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या करना है, वीडियो में कमेंट करना है, तो कमेंट बॉक्स के जरिए से मुझे पता लगेगा मेरे भाइयों को किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, काम पर चाहिए, जैसे क्या इंपोर्टेड टूल्स पर वीडियो चाहिए। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे ब्रदर, मुझे नहीं पता लगेगा। और इसके ऊपर कम से कम 1000 लाइक तो दोस्तों मेरे ब्रदर इस पर बनते ही हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड में जोन से मर्जी टूल पर कहोगे वीडियो बनाने के लिए, मैं कोशिश करूंगा। अभी तो मैंने आपको टूल कुछ दिखाया नहीं जा रहा, 15-20 टूल मैंने दिखाया, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, तो मैं आपका इंतजार करता हूं, क्योंकि मैं कमेंट के जरिए ही आप लोगों को जानता हूं। अगर कोई मुझसे गलती हो जाती है, कमेंट नहीं मैं पढ़ सकता, वो भाई मुझे क्षमा करे, मुझे माफ कर देना।
दोस्तों ये फेज टू की तरफ चलते हैं। दोस्तों जीरो से लेके 155 mm तक का ये हमारा स्केल है, और जैसे कि आप जानते हो एक सेंटी में हमारे 10 mm होते हैं। ये हमारा मार्किंग गेज है। मार्किंग गेज कैसे, जैसे हम खीस वगैरह से निशान लगाते हैं 3-4-5 mm का, ये हमारा जीरो वाला है, इसको हमने गिनती नहीं करना है। यहाँ से हमारा एक चालू, जैसे यहाँ से लेके ना यहाँ तक ये अपने 11 है, ये ऐसे हमारे 10 mm होते हैं, तो हमने ये वाला लेना है, ऊपर वाला नहीं लेना हमने, हमारा यहाँ से आएगा। जैसे हमने 5 mm का निशान खींचना, कैसे खींचेंगे, बल्कि ये मैंने बांधरी रखा, थोड़ा सा ये घूम रहा है, जैसे ये मैंने 5 mm का निशान खींचा इसके साथ। अब जैसे ये हमारा ये आ गया 10 mm का, 10 के बाद हमने यहाँ से नहीं, 11 mm हमारा यहाँ से होगा। अब मैंने 15 का खींचना है, ये मैंने 15 का खींच दिया, ठीक है, ये हमारा 15 का खींच दिया। उसके बाद ये 40 आ गया, 40 के बाद ये हमारा 45 आ गया। जो से हम इसके ऊपर मार्किंग गेज कर सकते हैं ना, वो हम 55 mm तक कर सकते हैं, अपने 55 mm तक निशान लगा सकते हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। यानी कि एक एक mm भी आप खींच कब तक भरोगे मार्किंग गेज, जैसे हम बड्डी बांधते हैं, तो ये बहुत आसान तरीका है। और ये इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो इन्होंने प्रकार के निशान लगा रखे हैं, जैसे अपना 60 का, 40 का, 45 का, जैसे मैंने उधर की तरफ बताए हैं, ठीक है। ये फेज टू भी हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम फेज थ्री की तरफ चलते हैं। अगर किसी भाई ने ये मेरे ने परचेज करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अमेजोन का, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो, और नीचे भी मैं नंबर फ़ोन नंबर दे दूंगा, क्योंकि ये इंपोर्टेड चीज़ है, जर्मन का है। कि दोस्तों इसका प्लास्टिक भी ना काफ़ी यानी कि नरम वाला है, यानी कि हार्ड वाला नहीं, सर्दियों में जैसे गिर जाएगा अभी टूट जाएगा ऐसा नहीं है, और गर्मियों में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लपलप करेगा, यानी कि काफ़ी कंपनी का है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट उन्होंने बना रखा है। और दोस्तों एक चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने सेटअप नया बनाया, मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट दिया है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ। चलिए लाइटें बंद करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो सृष्टि के रचनाकार हैं हमारे विश्वकर्मा जी हैं, ये हमारी बहन ने बड़ा प्यारा गिफ्ट दिया है, इसके अंदर लाइटिंग वगैरह भी जल रही है। तो मैंने कहा मैं अपने कारपेंटर भाइयों से साझा करता हूँ, अपने गुरु जी हैं, ये सभी के गुरु जी हैं जो से टेक्निकल काम करते हैं हमारी लाइन में। दोस्तों अब हम फेज थ्री की तरफ चलते हैं। जैसे दोस्तों कोई भी हमारा गोल पिलर वगैरह है, तो उसके अंदर क्या होता है, राइट एंगल से हम निशान नहीं लगा सकते इधर, तो ये हमारा जो सा ये राइट एंगल से राइट एंगल में निशान लगाएगा। ये देखिए जैसे हमने निशान लगाना, ये हमारा एक निशान इधर लग गया और एक निशान इधर लग गया, और फिर इसके यही निशान हम यहाँ पर रखेंगे और एक निशान हम यहाँ मारेंगे, फिर इसके ज़रिए हम एक निशान यहाँ मारेंगे तो एक हम यहाँ मारेंगे, ये हमारा यानी कि गोल निशान लग गया हमारा, जैसे ये हमारा बिल्कुल गोल निशान लग गया, ठीक है ना, इधर से। अब जैसे कि हमने गोल पाइप वगैरह काटना, तो हमें निशानों का, जैसे बड़ा पाइप वगैरह काटने, 2-2 इंची के, 1.5-1.5 इंची के पाइप काटने, तो हमें उसके पता नहीं लगता, ये एक निशान इधर लगाया और एक निशान इधर लगाया, तो ठीक है, क्योंकि यही मुश्किल एक काम होता है, जो गुलाई में हमसे निशान नहीं लगते। ये हमने लगाया और इधर की तरफ हमने फिर घुमा दिया इसको, और ये हमारा फिर लग गया निशान। तो दोस्तों ये चारों तरफ हमारे निशान लग गए। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद उनका बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसे लगी। तो आपने ये थम और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करने आपने।